जितना प्यार किया है ना तुझसे उतनी नफरत भी करता हूँ मैं तुझसे, और देख मेरी ये नफरत आज भी उस प्यार को मरने ही नहीं दे रही है जिसे मैं दफना देना चाहता हूँ। उठाओ ये पैसे और ये शहर छोड़ के चली जाओ फौरन। जब तक सोया की मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती ना तो मैं शहर से जाऊंगी ना ही मेरी बेटी। अरे आखिर वो भी तो पोती है ना आपकी, आपका अपना खून आपके बेटे की निशानी है, वो मेरे और निरंजन की बेटी है सोया। कुछ पर्दे तो खुल गई है रात में लेकिन कुछ खुलनी बाकी है। मन में मत रखिए इस दर्द को, सब बता दीजिए हमें, शायद आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। निरंजन और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, बहुत चाहते थे हम एक दूसरे को। निरंजन की सच्ची सोच, उनके उसूल, जमाने से लड़ने की ताकत और हिम्मत, ये सब बातें मुझे बहुत पसंद थी। हम दोनों अलग अलग मजहब को मानते थे लेकिन इस बात की परवाह निरंजन को बिल्कुल नहीं थी। नहीं मम्मी, ये मेरे प्यार का रंग है जो अब हमेशा गंगा की मांग में सजा रहेगा। आज गंगा की सुनी बेरंग जिंदगी को मैं रंगों से भर दूंगा, ये ले लाल रंग। मैंने धोखा दिया, जरा मैं भी तो सुनूं क्या किया मैंने। हाँ जिसे तुम धोखा कह रहे हो, चुप क्यों हो, जवाब दो। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम नहीं थे मेरे साथ, मेरे पास। कहने से क्या होता है, तेरा पति है, तुझे उसका मन समझना चाहिए कि नहीं। क्या बात, दिल्ली से वापस आने के बाद आपने किसी से बात ही नहीं की, खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं थी इसलिए खाना नहीं खाया। आपको इतनी बड़ी बात तो है नहीं जो तुम सवालों की झड़ी लगा दो। भूख नहीं होना तो सिर्फ बहाना, जरूर कोई बात जो आपको परेशान कर रही। ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं मानती, जरूर कोई बात, वरना आप इस तरह खुद को सबसे अलग करके नहीं बैठ जाते। हाँ पर मुझे बताना नहीं चाहते तो। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है माधवी, और तुमसे क्यों छुपाऊंगा मैं, जो कुछ पूछना साफ साफ पूछो, पहेलियां क्यों बुझा रही हो। पहेली तो आप बन गए हैं मेरे लिए, इतने सालों से आपके साथ रह रही हूँ तब भी ऐसा लगता है जैसे किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ। दिल की कोई बात कभी शेयर नहीं करते आप मेरे साथ, पता नहीं कौन सा ऐसा राज छुपा रखा है। राज कौन सा, राज कैसा राज, क्या कहना चाहती हो बोलो माधवी, चुप क्यों, कहना क्या चाहती हो तुम। बहू सर नीचे जाना, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। अकेले में सुनाई नहीं दिया, बाहर जाओ।
बनारस लौटने के बाद तू राहत से मिला है ना? बागी तबीयत के हुआ करते थे निरंजन, समाज बिरादरी में पहले गलत तौर तरीकों के खिलाफ बोला करते थे, खुलकर बोलना पसंद करते थे वो। बहुत खुश थी मैं, पूरी उम्मीद थी, यकीन था उन पर कि हमारी चाहत को उनकी सच्चाई और वफादारी अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। पूरी दुनिया से भिड़ गया था तू उस राहत के लिए, अम्मा के भी खिलाफ हो गया तू। देख लिया ना तूने नीरू, धोखा दिया उसने, बस तू विलायत गया और इधर उसने अपना असली रूप दिखा दिया। मगर गलती मेरी भी तो थी ना अम्मा जी, जाने से पहले उससे मिल भी नहीं सका। अचानक एक दिन लंदन के लॉ कॉलेज से लेटर आ गया कि मेरा एडमिशन हो गया, दिल्ली जाना पड़ा, फिर वहां से लंदन चला गया। जी मुझे राहत सिद्दीकी से बात करनी थी। क्या हॉस्टल में नहीं, घर चली गई? लेकिन उसने कुछ तो बताया होगा कि कब वापस आएगी, आपको नहीं पता? कोई तो होगा जिसे कुछ पता होगा। जाने से पहले मैंने आपको एक चिट्ठी दी थी राहत के लिए, आपने वो चिट्ठी दी थी ना रात को? अब दी थी ना चिट्ठी, क्यों नहीं दूंगी, जरूर दी थी मैंने चिट्ठी। तूने सब अपना टिकट वगैरह रख लिया ना? इतनी बार पूछ, बटवा रख लिया? वो रख लिया, सब सारी चीजें रख ली। बाहूजी को बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो मिल नहीं पाए तुझसे। अच्छे से जाना नीरू, दूर जा रहा है बहुत। उनसे भी बात कर लूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। फल खाना अपना, हाँ सब्जी भी सब खाना, ठीक है? खा लूंगा और आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं तो रखूंगी, बाहर जाके भूख मत। फोन करता लेकिन खर्चे हो जाएंगे पैसे। पैसे की चिंता मत कर। अम्मा जी ये चिट्ठी प्लीज याद से रात को दे दीजिएगा, वरना उसे ऐसा लगेगा कि जाने से पहले मैं उसे मिला भी। नहीं तो क्या, भूलेगा मत। नहीं चलता। समाज के बाहर की लड़की मेरे घर की लक्ष्मी बनना चाहती है, इन दोनों ने सोच कैसे लिया? पूरे बनारस शहर में धुंध होगी हमारी, पूरे परिवार की नाक कट जाएगी। समझने दो उस लड़की को कि नीरू बिना मिले ही चला गया। मैं मां बनने वाली थी, इससे पहले कि ये खुशखबरी मैं जाकर निरंजन को देती, मेरे अब्बू मुझे हॉस्टल से घर ले आए। उनकी बेटी एक गैर मजहब के आदमी के साथ शादी कर, ये बात मेरे अब्बू को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। मेरे अबू ने मेरे बच्चे को मार देने की कोशिश की। किसी तरह मैंने अपनी जान बचाकर वहां से भाग आई और सीधा निरंजन के घर पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि
जा चुकी थी, बिना मुझसे मिले, बिना कुछ कहे चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। अम्मा जी कोई आई है निरंजन भैया जी से मिलने के लिए। मैंने कहा वो तो विलायत चले गए, तो आपसे मिलने के लिए कह रही है। अरे मैं क्या करूंगी मिलके, होगी नीरू की कोई जान पहचान वाली। ठीक है तो मैं कह देता हूँ कि आप घर पर नहीं। एक मिनट महाराज जी, आप ये बिस्तरा लगाइए और ये सब सामान अंदर रखिए, मैं आती हूँ। जी वालेकुम। क्या हुआ, क्यों आई हो? बहुत बड़ा धक्का लगा मेरे दिल को, ऐसे लगा जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। अम्मा जी को मैंने अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताया, लेकिन उनका गुस्सा तो सातवें आसमान तक पहुंच गया। कितना कुछ कहा उन्होंने मुझे, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं बार बार कहती रही, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि निरंजन ही मेरे होने वाले बच्चे के बाप है। बस कहती गई, मैं सुनती रही। शर्म नहीं आती तुझे, अपना बाप मेरे बेटे के मत्थे मर रही? पता नहीं कहां से मुंह काला करके आई है और अपने बच्चे के लिए मेरे परिवार का नाम मांग रही है। मेरे भोले भाले नीरू को फंसा के ये मत समझना कि जीवन भर के लिए तूने मेरे घर का ठिकाना ढूंढ लिया है। तू जैसी लड़कियों को मैं खूब अच्छे से जानती हूँ, चली जा मेरे घर से और इसके बाद मेरे चौखट पर कभी पैर मत रखना। ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, आपसे उम्मीद थी मुझे, तेरे अबू मुझे मार डालेंगे, ऐसा मत कीजिए। जाती है कि मैं किसी को बुलाऊं? सच सच बताइए अम्मा जी, क्या राहत यहाँ कभी नहीं आई? मेरे बारे में पूछने, मेरे एड्रेस के लिए, मेरे फोन नंबर के लिए, कभी नहीं? कभी नहीं आई नीरू, कभी नहीं। अरे आई होती तो क्या तुझे मैं नहीं बताती? हाँ का नहीं था गंगा कि अम्मा जी ने मुझे बुरा कहा, लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि यहां से जाने के बाद रंजन ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा मेरी तरफ, मेरा हाल चाल जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं कैसी हूं, किस हाल में हूं, एक बार भी नहीं जानने की कोशिश की। आत्मा, तुमने कभी बाबू को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? कभी उन्हें कोई चिट्ठी, अब कभी उन्हें फोन भी नहीं किया? उन दिनों सेलफोन्स नहीं हुआ करते थे और ना ही मेरे पास उनका कोई पता या फोन नंबर था, फिर भी मैंने अपना हाल चाल उन तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की। लेकिन महाराज जी, ये चिट्ठी भूखे है ना, मेरे पास निरंजन का पता नहीं है, आप प्लीज अम्मा जी से उनका पता लेकर ये चिट्ठी उन तक पहुंचा देंगे, पोस्ट करना बहुत जरूरी है। जी भूलिएगा मत। हाँ जी, शुक्रिया। महाराज जी, क्या है आपके हाथ में? जी अभी अभी राहत जी आई थी, ये चिट्ठी दे गई है भैया जी को भेजने के लिए। अच्छा अच्छा,
ले। भैया जी ने भी आपको चिट्ठी दी थी ना राहत जी को देने के लिए, अब तो वो हॉस्टल में भी नहीं रहती। तुमसे क्या मतलब महाराज जी, अपने काम से काम रखिए, मैंने संभाल के रखी है सब। पापड़ सूखने को रखा है ना, जाइए उठा लीजिए। निरंजन अपनी अम्मा जी से सवाल पर सवाल पूछा जा रहा है, अब मैं कुछ पूछूं तुझसे? तूने भी तो ढेर सारी चिट्ठियां लिखी उसे, कोई जवाब मिला? नहीं, फिर भी वो कहती है कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया। अरे तूने साथ नहीं छोड़ा, उसने तेरा साथ छोड़ा है, धोखा दिया है तुझे उसने। तू जैसी विलायत क्या देख, बाप रे क्या क्या किससे सुनने को मिले हमें। कोई समीर था, कोई डॉक्टर, उसके साथ वो घूमती थी, पूरे शहर को पता था। शादी से पहले पेट से हो गई, इसीलिए फटाफट शादी करनी पड़ी। अम्मी और अब्बू ने मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया, और निरंजन उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और अम्मा जी ने रही सही उम्मीद भी तोड़ दी, बहुत अकेली पड़ गई थी मैं, कहने को कोई अपना नहीं था मेरे पास, ना सर छुपाने की जगह, ना रहने की कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हार गई थी मैं, तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं थी मुझ पर, और इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन उसमें भी नाकामयाब रही मैं, डॉक्टर समीर ने मेरी जान बचाई, मुझे जीने का सहारा दिया, हौसला दिया, उसे शादी करने के लिए राजी हो गए, ताकि मेरे होने वाले बच्चे को, निरंजन की औलाद को, एक बाप का नाम मिल सके। निरंजन जिसे मेरा साथ देना चाहिए था, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया, और मेरे प्यार को। उस लड़की को भूल जा, धोखा दिया उसने तुझे, तेरा दिल दुखाया है, बहुत बेकार लड़की है, तेरे लायक नहीं है, भूल जा उसे। प्लीज बोल दे सच नहीं है। आखिर हम दोनों उस दिन, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये कैसे? समाज में हम लोगों का कितना तमाशा बनेगा, और जानती है क्यों? क्योंकि तूने अपनी लाज शर्म बेच दी है अपने अपने सुख के लिए। गंगा को रोकने की कोई जरूरत नहीं, अगर उसने जाने का फैसला कर लिया है तो जाने दो उसे। क्या सोच रही हो? यही कि हमारी किस्मत एक दूसरे से कितनी मिलती है, मगर सच कहें रात में हमें आपसे कितना कुछ सीखना चाहिए। जोया को आपने अकेले पाल पोस के बड़ा किया, इतना अच्छा इंसान बनाया, हम भी अपने बच्चे को ऐसे ही पालेंगे अकेले, आप हमारी प्रेरणा और आत्मा। नहीं गंगा, बल्कि तुमसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा लोगों को। अरे मैं तो कमजोर थी,
एक मर्द का सहारा ढूंढना पड़ा मुझे ताकि मेरी बच्ची को इज्जत मिल सके, एक बाप का नाम मिल सके। लेकिन गंगा, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम अपने बच्चे को अपने दम पर अकेले इस दुनिया में लाना चाहती हो, बिना किसी का नाम दिए। मिसाल तो तुम बनोगी लोगों के लिए। नहीं रात्मा, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने हम नजर आते। कल जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सागर को हमारा हस्बैंड समझ लिया तो मन ही मन हम खुश हो गए। हम सोचने लगे कि काश यही सच हो, एक अच्छे हस्बैंड की तरह सागर हमारा ख्याल रखे और एक पिता की तरह हमारे होने वाले बच्चे का भी। असलियत जानते हुए भी उन लम्हों में हम फिर से सपने सजाने बैठ गए।